सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये सब पढ़कर ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये यूट्यूब का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये एक रुपया भी क्यों दें? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता, ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर इंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को, और हाँ जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिंड होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। आइए बच्चों, तो आज का जो कार्यक्रम शुरू करना है हमें, वो हमें एक क्वेश्चन से करना है। पढ़ाई हमने सारी कर ली थी, बेसिक ट्रांजेक्शन्स हमने सीख लिए थे, तो बस उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी किताब का, आज वो हम करेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ अमिताभ। तो आपको बहुत सारी ये ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं अमिताभ की, तो अब आपको याद है कैसे बनाना है सॉल्यूशन? बताओ सबसे पहले क्या लिखना है? इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, वेरी गुड। फिर उसके नीचे क्या लिखना है? जर्नल, वेरी गुड। फिर एक सुंदर सुंदर बिल्कुल बढ़िया सा स्केल से बनाना है फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट याद है आपको? कितने कॉलम? 5, वेरी गुड। तो एक सुंदर सा फॉर्मेट बना लो पहले आप। तो पहले कॉलम का नाम बताओ, डेट। दूसरे का पर्टिकुलर्स। तीसरे का लेजर फोलियो। चौथे का, पांचवे का क्रेडिट रुपी। ओके, तो एक बड़ा सा फॉर्मेट बना लो सुंदर सुंदर, फिर सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर हम डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो तो 1 से मेरे साथ साथ शुरू करना है बच्चों। सबसे पहले लिखा है नंबर 1 में, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो बताइए इसकी क्या जर्नल एंट्री लिखवाई थी? ठीक है, हाँ बस ऐसे ही बोल दो, वेरी गुड, सही है। तो डेट लिखना है मई 1, और जर्नल एंट्री लिखनी है कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट 80,000 और नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड। तो अब मैं नरेशन जो है बीइंग डॉट 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 लिख दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि अब हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नरेशन को लिखने में। अब आपको पता ही है ना नरेशन में क्या लिखना है, अब तो एग्ज़ाम में वही लिखना है ना, तो हम थोड़ा सा समय बचा लेंगे। तो नरेशन को ऐसे ही लिख दिया बीइंग डॉट 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 फॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद जी सेकंड, मे टू परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश। आपने फर्नीचर ख़रीदा है मॉडर्न फर्नीचर्स से कैश में, बताओ क्या एंट्री। वेरी गुड, तो मे टू की एंट्री आपको लिखनी है जी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 टू कैश अकाउंट। ये भी हमने बेसिक ट्रांजैक्शन में कवर करा था, एसेट खरीदते हैं ना हम, बीइंग डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो एसेट खरीद लिया। उसके बाद जी मे पाँच को लिखा है डिपॉजिटेड इन बैंक। ये भी मैंने लास्ट में आपको बेसिक ट्रांजैक्शन में सिखाया था, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बैंक में पैसे जमा करे, इसकी एंट्री बताओ। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, तो मे फाइव की एंट्री लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए है, 30,000 नरेशन बीइंग डॉट डॉट डॉट। ध्यान रखना ये एग्जाम में नहीं लिखनी ऐसी नरेशन, कहीं आप स्कूल में भी लिख के आ जाओ फिर स्कूल की टीचर नंबर काट ले, फिर आप कह दो हमारे सर ने तो ये लिखी है। तो ये सिर्फ मैं समय को बचाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी नरेशन आपको पता है कि क्या लिखने है, वही एक्चुअल वाली लिखनी है। उसके बाद जी 6 मई को कह रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदे कैश में, बताओ। वेरी गुड, तो 6 मई की एंट्री लिख लो, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है जी, तो ये हो गई गुड्स खरीदने की एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है 8 मई को परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, हरी से उधार पे गुड्स खरीदे। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, क्योंकि आपने हरी से उधार में गुड्स खरीदे ना, तो 8 मई की एंट्री लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट 4,500 टू हरी 4,500। ठीक है ना, तो ये भी हमने बेसिक ट्रांजैक्शन में कवर करा था। तो अभी तक के तो सारे पॉइंट्स हमारे बेसिक ट्रांजैक्शन में कवर्ड हैं। तो अगर अभी तक आपको कोई पॉइंट नहीं आया तो इसका मतलब किसकी गलती, आपकी। तो यहाँ तक तो मेरा कोई भी अभी रोल नहीं है। उसके बाद जी 10 मई परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदे सुरेश से कैश में। ठीक है, वेरी गुड, तो 10 मई की एंट्री लिख लेते हैं, मई 10 परचेज अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने कैश में खरीदे, है ना, गुड्स खरीदे कैश में बीइंग डॉट डॉट डॉट। उसके बाद जी नेक्स्ट है 12 मई को
परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय, आपने अजय से गुड्स खरीदे उधार पे। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, वेरी गुड। तो 12 मई की एंट्री लिख लो, क्योंकि आपने उधार में खरीदे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 4000 बीइंग डॉट डॉट डॉट। ठीक है सर, समझ आ रहा है। उसके बाद जी मई 14 को अब हम बेचेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स कैश में बेचे, बताओ क्या। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सही। तो अब 14 मई को बेचने की एंट्री लिख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 7000 टू सेल्स अकाउंट 7000 बीइंग डॉट डॉट डॉट। उसके बाद सर 15 मई सोल्ड गुड्स टू करीम, आपने करीम को गुड्स बेचे। हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपने अब करीम को उधार पे बेचे ना गुड्स, तो इसकी एंट्री हो गई 15 मई की। करीम डेबिट, क्योंकि आपने करीम को बेचे तो ये डेटर बन गया। तो करीम डेबिट 6500 टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने गुड्स बेचे 6500 बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ तक सिंपल, यहाँ तक सारी बेसिक ट्रांजैक्शन चल रही है, अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं आया। इसके बाद सर 16 मई को है जी सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, आपने गणेश को गुड्स बेचे कैश में। वेरी गुड, तो 16 मई की एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि आपने कैश में बेचा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 रुपये बीइंग गुड्स सोल्ड। उसके बाद जी 16 मई के बाद 18 मई को लिखा है सोल्ड गुड्स टू बंसी, तो बताओ सोल्ड गुड्स टू बंसी की क्या एंट्री। आपने बंसी को उधार में गुड्स बेचे, बंसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड। तो लिख लो एंट्री, बंसी अकाउंट डेबिट 3500 टू सेल्स अकाउंट 3500 बीइंग गुड्स सोल्ड। उसके बाद 18 के बाद 19 मई विड्रू फ्रॉम बैंक, ये भी लिखवाया था, बैंक से पैसे निकाल लिए आपने इस बार 5000 विड्रू फ्रॉम बैंक, वेरी गुड। तो ये सर आपने भी सीख लिया, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं। मई 19 कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड 5000 टू बैंक अकाउंट, ये भी हमने बेसिक ट्रांजैक्शन वैसे लिखी थी। तो नरेशन हो गई बीइंग कैश विड्रॉन। तो हमने पैसे निकाल लिए। इसके बाद जी मई 19 के बाद मई 20 ये सिखाया था लास्ट लेक्चर में करीम पेड ऑन अकाउंट, तो मैंने कहा था कि इसमें ऑन अकाउंट का कोई महत्व एज सच नहीं होता, तो इस पर वाइटनर लगा देते हैं।
तो करीम पेड ऑन अकाउंट, मतलब करीम ने पैसे दिए, ऐसा हिंदी में लिख देता हूँ, करीम ने पैसे दिए, तो हमें करीम से 5,000 रुपये मिले। तो एक बार ज़रा ऐसी सोचो, कौन बताना चाहता है? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसा मिला, वेरी गुड, कैश आ गया और डेटर कम हो गया, तो टू करीम, करीम कम हो गया, तो इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू करीम। तो 20 मई की एंट्री लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट। मैं इसका एस्पेक्ट भी समझा देता हूँ, इसका एस्पेक्ट है हमारा एसेट बढ़ रहा है ना, कैश आ रहा है, और टू करीम, और करीम जो हमारा डेटर है बेसिकली, वो कम हो रहा है, तो एसेट कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम, तो हमें करीम से पैसे मिल गए, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू करीम, तो आपको करीम से पैसे मिल गए, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है, 29 मई को पेड रेंट फॉर रेसिडेंस, तो इस पे आप स्टार लगा लो, अच्छा पॉइंट है एग्जाम के नज़रिए से। आपने रेंट दिया फॉर रेसिडेंस, रेसिडेंस किसे बोलते हैं? घर, तो इसका मतलब आपने अपने घर का किराया दिया है, तो घर का किराया देना ऑफिस का एक काम होता है कि पर्सनल काम होता है? पर्सनल होता है, वेरी गुड। तो आपने मतलब ऑफिस के पैसों से अपने घर का किराया दिया, समझ आ गया आइसक भाई? तो चलो बताओ कौन बच्चा बताएगा, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा कैश कम हो गया है ना, हमारा कैश कम हो गया। क्या हुआ मैडम? मैडम कह रही है कि ड्राइंग्स, तो अब आपका क्या विचार है? पर्सनल यूज के लिए है, तो पर्सनल यूज वालों को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? अगर ऑफिस से पैसा आप निकाल के ले गए पर्सनल यूज के लिए मानस भाई, तो क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, तो आपको रेंट नहीं लिखना, क्या लिखना पड़ेगा? ड्राइंग्स। इसीलिए इस पॉइंट पे स्टार लगवाया, रेंट तो हर कोई बच्चा लिख लेगा गली मोहल्ले का, तो पर्सनल यूज के लिए निकाले पैसे तो क्या लिखना है आपको? ड्राइंग्स, तो याद रखना है, ठीक है। तो बोलो जर्नल एंट्री क्या बन गई? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये आपकी पहली, मैं लिख सकता हूं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई अभी तक के सवाल में, स्टार लगा लेते हैं एक। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए है? 6,000। तो इसकी नरेशन आप लिख लो, बीइंग रेंट पेड फॉर रेसिडेंस, तो उसने एक वर्ड दे दिया और उससे आंसर बदल गया, तो ये क्वेश्चन की चालाकी होती है। अच्छा, अगर वो रेसिडेंस ना देता तो फिर हम रेंट अकाउंट लिख लेते, खाली रेंट अकाउंट लिख लेते, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो गया जी। उसके बाद है जी 30 को, ये आप बताओ, परचेज डे साइकिल फॉर हिज सन, आपने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीद ली, तो वो तो कह रहा है साइकिल अकाउंट डेबिट कह रहा है वो, क्यों ड्राइंग क्यों आएगा? बेटा ऑफिस में रहता है, तो बेटे के लिए साइकिल खरीद ली, तो ये क्या है? पर्सनल काम है ये भी, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग, वेरी गुड। तो इसकी भी सेम एंट्री होगी ऊपर वाले की तरह, तो मई 30 को भी सेम एंट्री करेंगे हम। तो इसका मतलब आप अब ये सीख गए कि पर्सनल कामों के लिए अगर पैसे खर्च करने हैं आपको, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है,
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, बीइंग डॉट 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 जो भी है। और उसके बाद बस लास्ट बची है, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है जी, मई 30 को पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो मई 30 की आप अभी लिखकर जगह छोड़ दो, ये मैं आपको जब अभी हम स्पेशल ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे ना तो उसमें सिखाने वाला हूँ। तो मई 30 की आप जगह छोड़ दो लिखकर लास्ट। तो ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है, तो इस पर आप स्टार बना के जगह छोड़ दो। तो खैर इसको अगर अभी छोड़ दें हम, तो बाकी सारे पॉइंट सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गए और आपको समझ आ गया कि जो बेसिक ट्रांजैक्शंस आपको सिखाई थी ना अभी तक, वो बेसिकली इन सब सवालों में कवर हो जाते हैं। तो आपको खरीदना आना चाहिए, बेचना आना चाहिए, बिजनेस खोलना आना चाहिए और बैंक से पैसे डालने निकालने आने चाहिए। तो ये आपकी बेसिक ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। ओके चलो, पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो, जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। अब फ्रेश पेज पर बिल्कुल बीचों बीच हेडिंग डालनी है आपको, स्पेशल ट्रांजैक्शंस। तो आपने बेसिक ट्रांजैक्शंस तो सीख ली थी, अब जो हमारी चर्चा होगी वो पहले से ज़्यादा गंभीर, पहले से ज़्यादा जटिल और पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होगी, यानी कि आपके पागल होने के अब दिन आ गए। तो अब हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस बेसिकली आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है नंबर वन, पहली स्पेशल ट्रांजैक्शन लिखो, पेड रुपी 7800 टू रामू अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ रुपी 8000। इसके नीचे आप चार लाइन की जगह छोड़ लो। सेकेंड पॉइंट, पेड रुपी 7800 टू रामू इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ रुपी 8000। तो सबसे पहले जो दो स्पेशल ट्रांजैक्शंस हमें आज सीखनी है वो ये वाली हैं। तो पहले में तो लिखा है पेड 7800 रुपी टू रामू अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 8000, और दूसरे में लिखा है पेड 7800 टू रामू इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 8000। तो मैं थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूँ आपको, फिर हम आंसर लिखेंगे। तो स्टोरी ये है कि ये कोई रामू नाम का व्यक्ति है और रामू नाम का व्यक्ति हमसे 8000 रुपए मांग रहा है। अब हम कौन हैं? हम तो बिजनेस हैं, तो हमने रामू को कितने रुपए पे करे, 7800। तो हमने कितने पैसे दिए, 7800 कैश दिया। अब आपको ये पहचानना है और मुझे बताना है पहचान करके कि पहले और दूसरे में क्या अंतर है। पहले मैं आपकी बुद्धि देखूंगा फिर मैं सिखाऊंगा, ठीक है? तो ये तो आपने अंग्रेजी पढ़ दी एज इट इज, ओके खत्म हो गया। और पहले वाले में, ठीक है। तो ये मैडम क्या कह रही है, मैं बाकी बच्चों को समझा देता हूँ।
मैडम के अनुसार पहला वाला पॉइंट तो ये कह रहा है कि हमने रामू को 7800 दे दिए और बचे हुए 200 रुपए हम बाद में देंगे, पहला पॉइंट तो ये कह रहा है मैडम के अनुसार। और दूसरे पॉइंट में लिखा है इन फुल सेटलमेंट, तो उसमें मैडम ये कह रही हैं कि हमने बस रामू को जो 7800 दे दिए तो वो पूरी तरह से अब फुल सेटल हो गया, यानी कि अब हमने उसको टाटा बाय बाय कर दिया और अब हमें उसको कुछ भी नहीं देना बाद में। तो क्या आप मैडम की कही बात से सहमत हैं या आपको अपनी कोई राय प्रकट करनी है? दोनों का मतलब सेम है, आप ये कहना चाहते हो? मतलब आपकी फिर बात सेम ही हो गई एक तरह से। ओके, तो दो कन्याएं तो सेम बात कह रही हैं, मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहले वाले में हमने 7800 रुपए दे दिए हैं तो इसका मतलब 200 रुपए क्या हो गए, बच गए। वो आप कब दोगे? बाद में। लेकिन दूसरे वाले में लिखा है कि हमने 7800 जो दिए वो फुल सेटलमेंट में दिए। फुल सेटलमेंट का मतलब समझते हो बच्चों आप? लेमेन टर्म्स में फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है लेमेन टर्म्स में कि आप पूरी तरह से अब संतुष्ट हो चुके हो, आप फुल्ली सेटिस्फाई हो चुके हो। यानी आप मुझसे एक बार 8000 रुपए मांगो, बोलो सर हमें 8000 दो, मांगो 8000 दे देता हूं, लेकिन मैं आपको 7800 जेब से निकाल के दूंगा और मैं आपको कहूंगा कि बस अब आपको इतना ही मिलेगा, आप घर जाओ बाय। तो इसका मतलब आप अब मुझसे बचे हुए 200 रुपए नहीं मांगोगे, आप फुल सेटल हो गए। तो फुल सेटल होने का ये मतलब होता है, बात समझ आई? तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स को सेम समझना सबसे बड़ी गलती है। पहले पॉइंट में फुल सेटल लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो पहले पॉइंट का मतलब तो ये होता है कि आपने सिंपली 7800 रुपए दे दिए, दैट मींस बचे हुए 200 आप बाद में दोगे। लेकिन सेकंड पॉइंट में लिखा है कि आपने 7800 रुपए दिए फुल सेटलमेंट में, तो इसका मतलब आपको 200 रुपए क्या बाद में अब देने हैं? नहीं देने, अब वो फुल सेटल हो गया, फुल सेटिस्फाई हो गया। समझ आ गया डिफरेंस? तो अब हम आंसर लिखते हैं, फिर आंसर लिखने के बाद आपको और अच्छा लगेगा। तो पहले फर्स्ट का लिखो, रामू डेबिट। अब हमने रामू को कितने रुपए दिए? 7800। तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी 7800 रुपए से कम हो गई, क्योंकि रामू कौन है? क्रेडिटर है एक तरह से, है ना? तो मैं साथ साथ लॉजिक भी लिख रहा हूं। तो इसका डेबिट होने का मतलब है कि हमारी लायबिलिटी कम हो गई। कितने रुपए कम हो गई लायबिलिटी? 7800। तो रामू डेबिट 7800। फिर आपने पैसे दिए तो क्रेडिट किसे करोगे? कैश अकाउंट को। तो आपका एसेट भी कम हो गया क्योंकि आपने पैसे दे दिए, आपका कैश भी कम हो गया। तो कैश के कम होने पर क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट केस का आंसर तो ये कंप्लीट हो गया। तो आपने रामू को 7800 रुपए दे दिए तो फर्स्ट केस का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, अब सेकंड केस में देखना, वो ध्यान से समझना है, वो स्पेशल है। सेकंड केस में हम लिखेंगे सॉल्यूशन, रामू डेबिट। अब यहां पर हमें रामू को कितने रुपए देने थे? 8000। तो हमारी लायबिलिटी जो यहां पर अब खत्म हो गई वो कितने रुपए की खत्म हो गई? 8000 की। तो ये हमारी लायबिलिटी कम हो गई। फिर क्रेडिट किसे करेंगे हम? कैश को, क्योंकि हमने पैसे दिए। अब हमने पैसे कितने दिए? 7800। तो कैश के आगे लिखेंगे 7800, क्योंकि ये हमारा एसेट कम हो गया। पहले इतना क्लियर हो गया? तो अगर मैं यहां पे आंसर छोड़ दूं तो पहले और दूसरे में तो फिर कोई अंतर नहीं है,
लेकिन दूसरे को अगर आप गौर से देखो तो दूसरे में आपका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं हो रहा, और यही फर्क है दूसरे में। अगर रामू को 8,000 देने थे और आपने दिए सिर्फ 7,800, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका 200 का फायदा हुआ है, क्योंकि वो फुल सेटल हो गया, मतलब अब वो 200 आपसे बाद में नहीं मांगेगा। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी आदमी को 8,000 रुपये देने थे और वो आदमी आपसे 7,800 रुपये लेके घर चला गया हमेशा हमेशा के लिए, कह रहा है मैं कभी फोन नहीं करूंगा, आप तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगी? आपको लगेगा ना कि मेरा 200 रुपये बच गए, फायदा हो गया। तो आपको इस फायदे को, 200 रुपये को अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब इसको रिकॉर्ड हम करेंगे, यानी कि प्रॉफिट कह दिया हमने, तो ये एंगल बन गया रेवेन्यू का, तो हमारा रेवेन्यू हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, है ना, रूल के मुताबिक। मैं रूल भी लिख रहा हूँ बाजू में, रेवेन्यू होता है तो क्रेडिट करते हैं। अब इस फायदे को क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बस इसी कूड़े को दिमाग से आपको निकालना है, और इसीलिए इस पे चारों तरफ बादल लगवा रहा हूं मैं, ताकि इसे याद रखें आप बच्चे। तो बताइए मैडम क्या लिखना है इसको? डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका मतलब है हमें 200 रुपये की छूट मिल गई, हमें 200 रुपये डिस्काउंट के मिल गए, तो इस अकाउंट का नाम होता है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये स्पेशल पॉइंट बेसिकली मुझे आपको सिखाना था, जिसके लिए इतनी सारी कहानियां मैंने रची। लेकिन अब आप देखो ध्यान से, जो मेन चीज समझनी है कि अगर आप किसी को फुल सेटलमेंट करने में पैसे देते हो, तो आपको जितने रुपए की छूट मिलती है उसको अंग्रेजी में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो याद रहेगा पॉइंट। चलो, तो ये हो गया आपका स्पेशल ट्रांजैक्शन वन और मेनली टू। अब उसके बाद जी नंबर थ्री, नंबर थ्री में लिखना है रिसीव्ड रुपी 7,500 फ्रॉम सोनू अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ रुपी 8,000। और चार लाइन छोड़ के नंबर फोर, रिसीव्ड रुपी 7,500 फ्रॉम सोनू इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ रुपी 8,000। चलो, तो नंबर थ्री में हो गया जी रिसीव्ड 7,500 फ्रॉम सोनू अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 8,000, और नंबर फोर में हो गया रिसीव्ड 7,500 फ्रॉम सोनू इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 8,000। चलो, तो पहले ये बताओ कि क्या दोनों में कुछ फर्क है या एक ही बात है? डिफरेंट है। तो इस बार आप समझाओ, थर्ड में मुझे सोनू से 7,500 रुपये मिले, लेकिन मुझे लेने हैं 8,000, ड्यू है 8,000, तो इसका मतलब क्या? 500 रुपये वो कह रहे हैं कट जाएंगे, 500 रुपये बाद में मिलेंगे, इसका मतलब है 500 रुपये बाद में मिलेंगे। अच्छा, नीचे वाले में फोर्थ में लिखा है रिसीव्ड 7,500 फ्रॉम सोनू इन फुल सेटलमेंट, हम सेटिस्फाई हो गए, सोनू ने हमें 7,500 रुपये दिए, हमें वैसे लेने हैं 8,000, लेकिन हम 7,500 लेके ही क्या हो गए? फुल सेटिस्फाई हो गए। ओके, समझ आ गया डिफरेंस दोनों का? चलो, अब आप कोशिश करो, आप समझदार हो, थर्ड की जर्नल एंट्री बता सकते हो क्या आंसर होगा? बताओ। वेरी गुड, पहले ही गलत हो गया। रिसीव्ड, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिसीव, जागो ग्राहक, जागो, आपको पैसा मिला है, पैसे मिलने पर एसेट बढ़ता है,
और एसेट के बढ़ने पर वो डेबिट होता है। रूल्स को थोड़ा समझें, और नहीं समझ आ रहा तो रटें, कुछ भी एक करें, आंसर सही होना चाहिए। तो कैश अकाउंट क्या होगा आपका? डेबिट होगा, क्योंकि आपको इस बार पैसे मिल रहे हैं। समझ आया पॉइंट? ठीक है, तो एसेट बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्रेडिट किसको करेंगे? टू सोनू। वेरी गुड, क्योंकि सोनू एक तरह से आपका डेटर है और डेटर की वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब आपका एसेट कम हो गया, तो ये क्रेडिट हो गया। तो क्लियर हो गई कहानी, देख लो भाई। ओके, अब फोर्थ। अब इस बार लिखा है रिसीव्ड 7500 फ्रॉम सोनू, तो इसका मतलब कितने रुपए मिले? 7500 मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट 7500। ठीक है ना, क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, हमें पैसा मिला, हमारा एसेट बढ़ा, तो इसीलिए डेबिट। फिर क्रेडिट किसे करेंगे? टू सोनू, 8000। वेरी गुड, तो ये बच्चा तो होशियार है। तो क्यों इस बार 8000? क्योंकि हमारा डेटर तो अब फुल सेटल हो रहा है, कह रहा है मैंने पूरे पैसे दे दिए, बस अब हम फुल्ली सेटिस्फाई हो गए। तो इसका मतलब हमारा डेटर जो है, हमारा एसेट जो है, वो 8000 रुपये कम हो गया, खत्म हो गया। तो अब बताओ बच्चों, हमारा फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ, क्योंकि हमें लेने थे 8000 पर हमें मिले सिर्फ 7500, तो हमारा कितना नुकसान हो गया? 500 का। तो इसका मतलब ये एक तरह से हमारा एक्सपेंस है, ई लिख देता हूं, तो इसीलिए हमारा एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो गया, है ना। नुकसान हो गया मतलब कुछ भी समझ लो, नुकसान लिखना है नुकसान लिख लो, एक्सपेंस लिखना है एक्सपेंस लिख लो, एक ही बात है। तो अब इस नुकसान को आप क्या नाम देंगे? क्या? दोबारा बोलो। ओके, तो ये तो आप बहुत ही होशियार हो गए फिर तो, बिल्कुल सही। तो इस बार इसको नाम देंगे हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वेरी गुड, क्योंकि इसका मतलब हमने 500 रुपए की छूट दे दी है, तो इस बार हमने डिस्काउंट दिया, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ठीक है शिवांश भाई, मिल गया किताब में? चलो तो लिख लिया जी, तो कहानी समझ आई। चलो अब हम उस सवाल पे चलेंगे, और अब मुझे पक्का यकीन है कि आप भी बता दोगे। आ जाओ, तो 30 मई को क्या छोड़ के आए थे हम ट्रांजैक्शन? अब पढ़ते हैं, अब पढ़ो लास्ट पॉइंट आराम से ठंडे दिमाग से। पेड टू अजय, कह रहा है हमने अजय को पैसे दिए, उसके बाद दो वर्ड्स पढ़ो और अपने मुंह से बोलो तेजी से क्या लिखे हैं। इन सेटलमेंट, तो इसका मतलब आपने अजय को पैसे दिए और वो फुल सेटिस्फाई हो गया ऑन हिज अकाउंट। तो देखो आपने अजय को कितने रुपए दिए, दे रखा है 3800, है ना 3800। अब ऊपर एक बार ढूंढो जरा, अजय नाम का पक्की बात है कोई क्रेडिटर होगा, कहाँ है मुझे भी तारीख बताना जरा। मई 12। वेरी गुड, लिखा था ना परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, तो अजय नाम का आपका क्रेडिटर मिल गया जी, ये रहा अजय। तो अजय को कितने रुपए देने हैं आपको? 4000। वेरी गुड, लेकिन आपने फुल सेटल करके दिए कितने? 3800। 3800, समझ आ रही है स्टोरी? तो आपका कितना फायदा हो गया? 200 का। वेरी गुड, तो इसकी एंट्री आपके आज के स्पेशल ट्रांजैक्शन नंबर 2 वाली बन जाएगी सेम। ठीक है सर, तो क्या लिखें हम एंट्री में? अजय डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 3800। वेरी गुड, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपये। वेरी वेरी गुड, तो ये है बच्चों कार्यक्रम। समझ आया पूरा अच्छे से? तो जब भी आपको
किसी से पैसे लेने हो या किसी को पैसे देने हो और उसमें फुल सेटलमेंट हो रहा हो, तो फिर हम क्या अकाउंट यूज करते हैं, या तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो क्लियर होगी पूरी कहानी? चल परफेक्ट। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा। तो ठीक है बच्चों के कटने दो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा। मुझे क्या मोटिवेशन चाहिए? हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।